आज के बॉलीवुड काउंटडाउन में बात करेंगे कि आर्यन खान है अपने पापा एसआरके के जैसे कल्चर्ड मैन, बताया राघव जोयल ने। साथ ही जॉब न होने के कारण विक्की के पापा खुद को मारना चाहते थे, तो वहीं अहान ने चार्ज की हाई फीस, रोकनी पड़ी मूवी की शूटिंग। नमस्कार, मैं हूं भाविका और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रोहित शेट्टी बने अपने स्टाइल में स्नीकर्स के ब्रांड एम्बेसडर। स्नीकर की न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने रोहित शेट्टी। स्नीकर आइकॉनिक कैंपेन यू आर नॉट यू व्हेन यू आर हंग्री के साथ एक्साइटिंग कोलैबोरेट करने वाले हैं रोहित शेट्टी। बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शेट्टी ने बताया कि वो स्नीकर के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनके काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अजय देवगन की सिंघम अगेन का क्लाइमेक्स हुआ लीक। रोहित शेट्टी की मूवी सिंघम अगेन के रिलीज से पहले ही लीक हुआ उसका क्लाइमेक्स सीन। शूट की बहुत सारी वायरल पिक्चर्स और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, तो वहीं इसे देखकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। वायरल क्लिप में अजय देवगन जैकी श्रॉफ को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, जो सिंघम मूवी में विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। कल्कि होगी अब ओटीटी पर रिलीज। चलिए जानते हैं कहां कहां देख सकते हैं ये मूवी। फैंस कल्कि के ओटीटी रिलीज का कब से वेट कर रहे हैं, बट उन्हें अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो मेकर ने डिसाइड किया है कि मूवी के रिलीज के 10 हफ्ते बाद वो ओटीटी पर भी मूवी को रिलीज करेंगे। फिल्म सितंबर के शुरू में ओटीटी पर रिलीज होगी। प्राइम वीडियो पर मूवी रीजनल लैंग्वेज, तो वहीं नेटफ्लिक्स इंडिया पर मूवी हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज होगी। जल्दी ही मेकर्स ऑफिशियल डेट भी अनाउंस कर देंगे। बैड न्यूज के मल्टी यूनिवर्स में विक्की एंड एमी विर्क ने दिखाया भाईचारा ऑन टॉप। बैड न्यूज टीम ने को एक्टर के साथ एक हिलेरियस इंस्टाग्राम रील शेयर की है, जो इंस्पायर्ड है क्रिंज कंटेंट से, जिसमें एक के बाद एक काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आयुष्मान भी कमेंट करते हुए लिखते हैं ग्रेटर कलेश कॉलोनी। वहीं एक यूजर लिखते हैं नेवर एक्सपेक्टेड बॉलीवुड एक्टर्स टू रिक्रिएट दिस मास्टरपीस। तो उसी के रिप्लाई में दूसरे यूजर दे लिटरली रोस्टेड ऑल द टिकटॉकर्स। हार्दिक पांड्या के डिवोर्स रूमर्स में लगी एक और चिंगारी। नताशा दिखी अपने बेटे अगस्त्या के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर। जहां हर कोई हार्दिक की डिवोर्स के रूमर्स की बात कर रहा है, वहीं नताशा अपने बेटे अगस्त्या के साथ बैकपैक करके अपने कंट्री सर्बिया जा रही है। हार्दिक के डिवोर्स न्यूज में स्पार्क तो तब आया जब इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीत जाने के बाद भी नताशा ने कोई पोस्ट अपलोड नहीं किया। अब देखना ये है कि ये सिर्फ रूमर है या सच्चाई। मंजूमल बॉयज डायरेक्टर चिदंबरम करेंगे बॉलीवुड डेब्यू। बॉलीवुड डायरेक्टर चिदंबरम अब बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। फैंटम स्टूडियोज ने ऑफिशियली अनाउंस किया है डायरेक्टर चिदंबरम अब हिंदी फिल्मों में काम करेंगे। सृष्टि बहल CEO ऑफ फैंटम स्टूडियोज, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड है चिदंबरम की स्टोरी टेलिंग के लिए। इंडिया के लीजेंडरी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया प्रोड्यूसर महावीर जैन की कंपनी में। इंडिया के तीन मोस्ट स्टीम्ड इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट इन्वेस्ट करेंगे प्रोमिनेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी फाउंडेड बाय री ओन प्रोड्यूसर महावीर जैन। बल्लभ भंसाली को फाउंडर इमाम सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल को फाउंडर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, निखिल कामत को फाउंडर जरोधना एंड गुरुआज एंड हिज पार्टनर अभिजीत पाई को फाउंडर गुरुआज, बट अभी इन्वेस्टमेंट डिटेल डिस्क्लोज नहीं हुई है। महाराज की स्टोरी सुनने के बाद पूरी तरीके से हिल गए थे विजय सेतुपति। विजय महाराज फिल्म एक्सेप्ट करने में काफी हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनकी कहीं और कमिटमेंट थी, बट वो फिल्म नहीं बन रही थी तो उन्होंने महाराज के लिए हाँ बोल दी। बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स की माने तो विजय ने बताया कि जब उन्होंने स्टोरी सुनी तो वो अंदर तक हिल गए। वो बोले, व्हेन आई हर्ड द स्टोरी आई वाज शेकन। हाउ कुड एनीवन डू दिस टू अ चाइल्ड एंड हाउ कैन अ फादर कोप विद सच अ ट्रॉमा। But then we are actors have to rise above personal emotions. KRK के नए सॉन्ग को प्रमोट करते नजर आए अमिताभ बच्चन। कॉन्ट्रोवर्सियल प्रोड्यूसर एक्टर एंड फिल्म क्रिटिक KRK कमल आर खान की न्यू सॉन्ग को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं अमिताभ बच्चन। अमित जी ने अपने एक्स अकाउंट पर KRK का सॉन्ग प्रमोट किया, जिसके कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं, कम ऑन सर, इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि आपको इस कार्टून के सॉन्ग को प्रमोट करना पड़ जाए। कांट इमेजिन KRK गेट्स प्रमोटेड बाय AB। वाओ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के एक्टर ने कहा स्ट्रेंज पर पर्सनल कनेक्शन है अक्षय के साथ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के एक्टर आदित्य ने बताया अपना एक्सपीरियंस।
आदित्य अक्षय के साथ मूवी कर रहे हैं, जहां उन्हें एक इंटरव्यू में बताया, वर्किंग विद अक्षय कुमार हैज बीन एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। उन्होंने आगे बताते हुए कहा, ही इज नॉट जस्ट अ सुपरस्टार बट एन इंडस्ट्री स्टॉलवर्ट हुज वर्क आई हैव एडमायर्ड फॉर इयर्स। जानते हैं अपने रिलीज के डे 5 पर कितना कमाया अक्षय की मूवी ने। वर्स्ट ओपनिंग के बाद अपने रिलीज के 5वें दिन तक सरफिरा लगभग 15 करोड़ कमा चुकी है। फिल्म की ओपनिंग 2.4 करोड़ से हुई। वहीं दूसरे और तीसरे दिन कलेक्शन रही 4.25 एंड 5.25 करोड़, लेकिन चौथे और 5वें दिन के बाद कलेक्शन गिरने लगी। चौथे दिन की कलेक्शन थी 1.45 करोड़ तो वहीं 5वें दिन की कलेक्शन थी 1.95 करोड़। पहली बार कल्कि की कलेक्शन में आई कमी। कल्कि 2898 AD रिलीज हुए काफी दिन हो चुके हैं, पर मंडे को पहली बार कलेक्शन 6 करोड़ से नीचे गई। मंडे की कलेक्शन रही 3.85 करोड़। अब तक मूवी 589 करोड़ कमा चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि मूवी इस वीकेंड तक 600 पार कर देगी। आर्यन खान ने अपने पापा SRK के जैसे कल्चर्ड मैन बताया राघव जोयल ने। राघव ने इंस्टेंट बॉलीवुड के साथ इंटरव्यू में बताया कि आर्यन इज वेरी कल्चर्ड मैन, ही हैज द सेम हैबिट एज हिज फादर। इफ यू आर एट हिज हाउस ही विल पर्सनली वॉक यू टू द डोर एंड सी यू ऑफ। अहान ने चार्ज की हाई फीस, रोकनी पड़ी मूवी की शूटिंग। शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी अपने नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, पर रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने प्रोडक्शन टीम को इतना हाई बिल दे दिया कि शूटिंग को बीच में रोकना पड़ा। साजिद ने अपने फ्रेंड सुनील शेट्टी को प्रॉमिस किया था कि वो उनके बेटे को सेकंड चांस जरूर देंगे, लेकिन अहान ने अपने स्टाफ कॉस्ट फॉर हेयर, मेकअप, स्पॉट, स्टाइलिस्ट, ड्राइवर, शेफ, ट्रेनर का इतना ज्यादा बिल दे दिया कि प्रोडक्शन टीम को शूटिंग ही रोकनी पड़ी। बाद में सुनील शेट्टी के रिक्वेस्ट पर साजिद ने इस प्रोजेक्ट को ऑफ नहीं किया। जॉब ना होने के कारण विकी के पापा खुद को मारना चाहते थे। एक्टर विकी कौशल ओपन अप हुए अपने फैमिली स्ट्रगल्स को लेके। विकी ने बताया कि एक टाइम ऐसा था जब मेरे पापा श्याम कुशल खुद को मारना चाहते थे क्योंकि उनके पास जॉब नहीं थी। विकी पंजाब के एक छोटे से गांव से हैं, जहां उनके पापा जॉब ना होने के कारण खुद को मारना चाहते थे, पर विकी के दादाजी और श्याम के पापा ने उनको मुंबई भेज दिया। MA इन इंग्लिश करने के बाद भी शाम पैसे कमाने के लिए स्वीपर तक की जॉब करने को तैयार थे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।